सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इंडियन गवर्नमेंट चल रही है, वो लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया, ठीक ना, वो चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। अग्निवीर 4 साल में 17 साल में दे रहे हैं और 21 साल में रिटायर कर देंगे। 4 साल में मोदी जी 75 साल के हो गए हैं, ठीक है, वो 74 साल की उम्र में एक मौका मांग रहे हैं। बहुत लोगों को नहीं पता है कि क्या चीजें हैं, बस उनको लग रहा है 5 किलो राशन मिल रहा है, वो सारी चीजें हो रही हैं। बाकी इंटरनल देश कितना कमजोर हो चुका है किसी को कुछ नहीं पता है। पापा ने वार रुकवा दिया, एक चीज मतलब सोशल मीडिया फैल रहा है, ठीक है। मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ मोदी जी से कि ये मणिपुर चले गए होते हैं, लद्दाख चले गए होते हैं, वहाँ पे चाइना वाले घुस गए हैं कि नहीं गए हैं। सिर्फ इसमें अमीरों का घर नहीं टूटा है, गरीबों का घर टूटा है बुलडोजर के नाम से। महंगाई से परेशान है किस? महंगाई से और क्या, महंगाई से और गाड़ी उड़ी के दे तेरे वो नियम निकल रहे हैं 10 लाख 7 साल जेले, बहुत तमाम समस्या है। बीजेपी को मान लीजिए 80% वोट करता है इस बार, फिर भी लेकिन हमारे समाज को कोई लाभ नहीं मिलता है। सरकार को हर 5 साल के बाद बदल देनी चाहिए। सरकार बदलेगा तो स्कीम बदलेगी, हर चीज बदलेगा, तौर तरीके बदलेंगे। सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी घोसी लोकसभा के भातकोल गांव में हैं। इस सीट पर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सीट है क्योंकि यहाँ इस बार हॉट सीट एक किस्म से बन गई है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अरविंद राजभर जी यहाँ सपा जो कि भाजपा के साथ उनका गठबंधन है वो यहाँ से लड़ रहे हैं। उसी के साथ साथ बालकृष्ण चौहान जी जो हैं वो बसपा से लड़ रहे हैं और राजीव राय जो हैं वो सपा से लड़ रहे हैं। बालकृष्ण चौहान जी जो हैं वो चौहान समाज से या फिर नौनिया जो जाति है उनसे हैं। नौनिया एक ओबीसी जाति है, चौहान समाज जो यहाँ पर है एक ओबीसी समाज है, और काफ़ी भारी संख्या में निर्णायक स्थिति में उनके वोट हैं यहाँ पर, लगभग 2 लाख के करीब यहाँ चौहान समाज के वोट हैं। हम ज़्यादातर अभी चौहान समाज के ही बीच में हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस बार क्या रुझान है, लोग क्या कह रहे हैं। जी नमस्कार साहब, क्या नाम हुआ? अनिल कुमार चौहान। अनिल जी क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। क्या बिजनेस है अपनी? अपना गाड़ियों का बिजनेस है। गाड़ियों का मतलब टैक्सी वगैरह रेंट पर देते हैं? ट्रैक्टर वगैरह। अच्छा ट्रैक्टर वगैरह, ट्रैक्टर जेसीबी वगैरह। जेसीबी वगैरह, जेसीबी तो बड़ा बदनाम रहा है इन 5 सालों में सरकार ने। हाँ बदनाम कर दिया है, बदनाम कर दिया है देश को भी बदनाम कर दिया है। अच्छा तो ये बताइए, आप कह रहे हैं देश को बदनाम कर दिया जेसीबी ने, वैसे अपना बताइए, चलिए उस पर। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? सिर्फ इसमें अमीरों का घर नहीं टूटा है, गरीबों का घर टूटा है बुलडोजर के नाम से। तो बदनाम किया है कि नहीं किया है ये बताइए। आपके लिए एक तो ये बात है जो आपने कहा मानव अधिकार वाली बात है कि आप कह रहे हो गरीबों के घर तोड़ दिए सरकार ने जेसीबी से, उसकी नाराजगी तो एक चीज़ है, लेकिन आपकी बिजनेस के लिए पिछले 5-10 साल इस सरकार में कैसे रहे? ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग मजदूर वर्ग के आदमी हैं, तो हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो कमाएंगे खाएंगे क्या? बदनाम में वही मैं पूछ रहा हूँ, जो जो बड़े पैमाने के लोग हैं वो गलत तरीके से इस सरकार को यूज कर रहे हैं और सरकार की नीतियाँ गलत है। कैसी नीतियाँ आपको खराब? झूठ बोलने की नीतियाँ है, बेरोजगार हैं बच्चे सारे, 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कहे दिए नहीं। सरकारी नौकरियाँ गांव में लगी हैं आपके? सरकारी नौकरियाँ? कैंप नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा नहीं बताइए, सर्वे देख लीजिए। इस बार तो पेपर भी लीक हो गया वो पुलिस का। हाँ, पेपर भी लीक हो गया। तो बताइए बेरोजगारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ये बताइए फिर इस बार कहाँ वोट देने की सोच रहे हैं? भाई हम तो सपा को वोट करेंगे। अच्छा। लेकिन चौहान साहब तो एक वहाँ बसपा से भी खड़े हैं, उस मन नहीं है उस तरफ? देखिए सबका अपना अपना मत है। नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सबका अपना अपना मत है। हमको जो लाभ मिला है सपा सरकार से मिला है, जो यहाँ प्राइवेंसी मिली है सपा सरकार से मिली है। किस तरह का लाभ आपको सपा सरकार में मिला? सपा सरकार से 100 नंबर की गाड़ी जो लोगों के हेल्प के लिए अवेलेबल है, 108 नंबर का एम्बुलेंस अवेलेबल है, ये 4 लेन जो है बना है सपा ही सरकार में। बीजेपी सरकार ने कोई नया ऐसा कोई जमीन स्तर पर काम ही नहीं किया है, तो क्यों हम उसको लाइक करें? पिछली बार कहाँ वोट किए थे? पिछली बार हम लोग बीजेपी को वोट किए थे, इस बार लेकिन लेकिन भरोसा था ना कि लोगों को रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार का तो वायदा भी, गांव में रास्ते सही होंगे, लेकिन ऐसी कोई मतलब सुविधा नहीं नजर आई। तो नाराजगी का? तो नाराजगी बिल्कुल है, गांव वाले भी नाराज हैं। तो ये बताइए आप कह रहे हैं 5 किलो राशन में काम चल जाएगा किसी का? नहीं, महंगाई जिस तरह से चल रही है उसके हिसाब से तो फिर 5 किलो कम ही पड़ता है। तो 5 किलो देकर पूरी जनता को भुलवा दिए हैं, तो कहाँ मतलब आदमी सुरक्षित है ये बताइए। तो ये बताइए फिर
आपके गांव में, क्योंकि पिछली बार तो नौनिया समाज, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तो काफी वोट इस पिछली बार भाजपा में गया। जो है बीजेपी को मान लीजिए 80% वोट करता है इस बार, फिर भी लेकिन हमारे समाज को कोई लाभ नहीं मिलता है। इस बार क्या लग रहा है कितना जाए? इस बार पिछली बार अगर 80% वोट कटेंगे, कितना कटेगा? मान लीजिए 70-80% वोट कटेंगे, तो जितना पिछली बार मिला था उतनी बार कटना कटेगा। कटेगा इसलिए कि यहाँ पे जो है बिरादरी से, मान लीजिए बालकृष्ण चौहान लड़ रहे हैं जी, तो बिरादरियों का वोट भी चढ़ेगा उस पे। तो यहाँ लड़ाई राजीव राय और बसपा की हो गई है। अच्छा, तो आप कह रहे हो भाजपा तीसरे नंबर पर है? यहाँ पर तीसरे, लेकिन राजभर समाज तो भाजपा पर जा रहा है। कहाँ जा रहा है वो तो छड़ी ले, सुनिए वो देखिए वो अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं। अच्छा, सोहेल देव भारत समाज पार्टी के जैसे, सोहेल देव वो सिंबल से नहीं लड़ रहे हैं। अगर सिंबल होता तो लड़ाई उनकी होती, आधी वोट तो उनका सिंबल से ही कट जाएगा। अच्छा, इसलिए आप कह रहे हैं कि गलत कह रहा हूँ तो बताइए। नहीं, मैं आप बेहतर जानते हैं, मैं तो बाहर से आया हूँ। थैंक यू, चलिए आपसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? उमेश चौहान जी। हाँ जी, उमेश चौहान। उमेश जी, उमेश जी क्या करते हैं? फिलहाल तो सिगरेट पी रहे हैं, बट उसके अलावा क्या करते हैं? मैं तो ड्राइवरी करता हूँ भाई। ड्राइवरी करते हैं, मतलब टैक्सी वगैरह या फिर ट्रक वगैरह? ट्रक। तो ये नया कानून कैसा है जी, बताइए। ये तो आप, बड़ी हड़ताल हो गई थी। मेरे समझ से सही है। आपके समझ से सही है? हाँ। क्यों सही है जरा बताइए। इसलिए सही है हाँ। कि ये जो हड़ताल हुई थी ना हाँ। इसमें भी ये सही था, मगर थोड़ी सी सरकार कमजोर पाई गई। नहीं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हड़ताल सही है या हड़ताल सही थी या कानून सही था? कानून सही है हाँ। मगर उसमें सरकार थोड़ी कमजोर पाई। ये विदेश में ड्राइवरी करते हैं, यहाँ थोड़ी करते हैं, तो उनके लिए सही रहा करेगा। विदेश में कहाँ? अरे सऊदी रहते हैं। मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ है? सऊदी में कानून नहीं है, यहाँ आया तो आप हमारे साथ यहाँ पर खेला खेली कर रहे हैं। चलिए बताइए जी, सऊदी से क्या वोट देने आए हैं अभी? नहीं, वोट थोड़ी देना है, छुट्टी पे आए। छुट्टी पर आए हैं तो छुट्टी पर आ ही गए तो वोट भी दे ही दीजिएगा। हाँ, वोट तो देंगे। हाँ, तो कहाँ दे रहे हैं? बीजेपी को देंगे। क्यों? क्यों, हमारे लिए फायदा है। क्या फायदा है? बहुत फायदा उससे। अरे कुछ तो बताइए, सऊदी में रहते हैं, फायदा आपको यहाँ इनसे नजर आ रहा है? रोजगार तो यहाँ आपको मिला नहीं, कह रहे हो कि सऊदी जाके रोजगार करना पड़ता है? तौर से जनता संतुष्ट है। ये भाई साहब तो नहीं थे? नहीं, संतुष्ट है। अच्छा, ये लोग शुरू से बीजेपी को वोट देते हैं, इसीलिए बीजेपी को खाली वोटवा देते हैं। अच्छा, भाजपा के ही वोटर है? गाँव के लोग जो है, यहाँ जो है 25-30 साल से लगभग बीजेपी को वोट मिलता है, बीजेपी का। लेकिन 25 को देवा नहीं करते हैं। 30 साल से यहाँ पर कोई बहुत विकास नहीं हुआ है, बीजेपी कोई ऐसा जमीनी स्तर नहीं काम किया है। चलिए, आप बताइए, आपसे बात नहीं। आपका क्या नाम हुआ? अर्जुन चौहान। अर्जुन जी क्या करते हैं? मैं इस समय तो बेरोजगार हूँ। नौजवान हो, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, साल की नहीं मिली? अरे कहाँ मिली, एक लाख तो नहीं मिली। रेलवे में 3 लाख पद खाली है, ALP के केवल 5,000 वैकेंसी आई, उसमें भी कुछ नहीं, अभी पेपर ऊपर नहीं हुआ। पुलिस का दिए थे अभी, कांस्टेबल का नहीं, उसमें भी पेपर लीक हो गया। लीक तो हो गया, वो बहुत दिक्कत हुई कईयों को, 425 रुपये का तो फॉर्म ही भरा है लोगों ने, वो सब भी पैसा बर्बाद हुआ। पिछली बार कहाँ वोट किया था अर्जुन? पिछली बार तुम्हें बीजेपी को किया था। इस बार? इस बार आती पर दूंगा। इस बार आती पर चौहान साहब है इसलिए जी है? नहीं, अगर वो नहीं होते तो फिर साइकिल पर भी देता, लेकिन बीजेपी को नहीं दूंगा। बीजेपी को नहीं दे? हाँ, किसी को दे दूंगा लेकिन बीजेपी को कभी नहीं दूंगा। तो अगर लग रहा है कि चौहान साहब बसपा से नहीं जीतेंगे, क्योंकि आप भाजपा से इतने नाराज हो गए हैं, तो फिर क्या आप सपा पर भी जा सकते हैं? सपा पर जा सकता हूँ, लेकिन बीजेपी को नहीं दूंगा। बसपा सपा सब एक हो जाएंगे। इतना नाराजगी भाई साहब, किसी को दे दूंगा पर भाजपा को नहीं दूंगा। ठीक है बस अभी। अरे भाई साहब, हाँ सऊदी अरब से आए साहब नहीं दे रहे हैं सपा को वोट, बाकी हिंदुस्तान में रहने वाले थोड़ी बात अलग कर रहे हैं। जी साहब, आपका क्या नाम हुआ? शिव भजन चौहान। हाँ जी, शिव भजन चौहान। शिव जी क्या करते हैं? हम तो भट्टा पर ईंटा पावत हूँ, भट्टा पर ईंटा गोरमिन तो कोनो कमावा मुकना दे रहा है। नहीं दे रहा कुछ? अब बाद मुँह टूट गया पूरा, आप देख ही रहे हैं। अगर कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा नहीं, बच्चे तो किसी को जिलाऊंगा मैं। पेंशन वगैरह नहीं दे रहा सर? कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, अब उसके ऊपर मैं क्या आपसे बताऊँ सर। खेती है अपनी? एक बीसा खेती है, उससे तो ज़्यादा नहीं बनता फिर। लेकिन उससे आवारा पशु से परेशान हो रहे हो, गैया से, सांड वगैरह जो घूम रही है उससे यहाँ भी परेशान? एकदम बहुत परेशानी, वो चोर के खा गए नुकसान। अच्छा, खेतों से जाके देखिए पर्ची पड़ा हुआ है। अच्छा, कहाँ वोट कर रहे हैं?
वो तो देगा मैं मोदी जी के लो, सब कुछ परेशानी लेकिन वोट दिएगा मोदी जी को, ऐसा क्यों? मैं तो शुरू से कह दिया कि मैं वोट दूंगा मोदी जी, हमेशा से देते थे भाजपा को एकदम एकदम, हमारा मूड वही मोदी जी का है। ठीक है, तो मोदी जी आप कह रहे हैं सरकार से कोई फायदा नहीं मिल रहा? मिल नहीं रहा, मगर मोदी जी खुद समझेंगे इस साल के अंदर में समझेंगे कि हाँ मेरी सरकार ने मैं क्या बनाऊँ लोग नहीं बनाऊँ। चलिए ठीक है, 50-50 का मैच चल रहा है इधर। क्या नाम साहब, इनसे बात करते हैं भाई साहब? नमस्कार, क्या नाम हुआ जी? नमस्ते साहब, नमस्ते। क्या नाम हुआ? रणजीत। रणजीत चौहान समाज से हैं आप? राजभर समाज। राजभर समाज से हैं, अच्छा चलिए बताइए किधर जा रहे हैं चौहान चुनाव में? बीजेपी। बीजेपी मतलब अरविंद चौहान जी? बस सब अरविंद राजभर जी। राजभर, सॉरी अरविंद राजभर जी, इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि राजभर समाज से हैं जी? नहीं नहीं, बीजेपी ही पसंद। बीजेपी हमारे लिए अच्छी है और उनकी पढ़ाई भी हमारे लिए बहुत अच्छी है। ठीक, वो पहुँचे हुए नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, नवयुवा हैं। अरविंद जी की बात? हाँ जी जी जी, थैंक यू जी। अच्छा आइए आप लोग भी बात करिए, आप भी आओ, पीछे कहाँ छुप रहे हैं, इनको आगे करके भाग रहे हो, कैसे नौजवान हो, क्या नाम है? डब्ल्यू चौहान। डब्ल्यू चौहान, हाँ हाँ। डब्ल्यू क्या करते हैं? मैं तो गवर्नमेंट जॉब में। तो आप तो बोल नहीं सकते कैमरे पर? नहीं बिल्कुल बोल सकता हूँ, बोलने की तो आज़ादी है, आर्टिकल 19 हमारा बोलता है कि बोलने की स्वतंत्रता, इसमें क्या चीज़ है? कहाँ गवर्नमेंट जॉब करते हो? मैं तो एजी ऑफिस में। एजी ऑफिस में? एजी ऑफिस, अच्छा किस तरह का काम है? ऑफिशियल वर्क है। ऑफिशियल वर्क है। चुनाव के बारे में बात करें? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। कहाँ कर रहे हैं वोट? देखिए वोट तो ये तो कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, बेसिकली मुद्दे की बात कर सकता हूँ। चलिए ये बताइए आप सरकारी नौकरी में हैं, कब लगी थी आपकी नौकरी? मैं तो अभी एक साल मतलब 6-7 महीने। 6-7 महीने पहले तो यहाँ पर जैसे कई लोगों की शिकायत है कि सरकारी वैकेंसीज कम खुली हैं, आपकी भी, आपको तो खैर मिल गई सरकारी नौकरी, बट बाकी आसपास का भी यही स्थिति है या नहीं मिल रही है? देखिए नौकरी देने के मामले में सरकार तो बिल्कुल भी ठीक काम नहीं कर रही है जैसे इस मामले में बात किया जाए, और नियत भी ठीक नहीं है मेरी मिल गई है इसका मतलब नहीं कि सब कुछ सही चल रहा है। और जैसे रोजगार के मामले में और महंगाई की सारी चीज़ें हैं उस पर देखना चाहिए, और हमको वोट भी इसी बेस पे करना चाहिए ना कि कोई जाति धर्म और ये पार्टी ये चीज़ें ये है, मेरे जाति का ये लड़ रहा था इसको वोट मार दे, ये ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं वोट तो देखिए वही होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई हमारा विकास कौन करेगा, हमारे रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पर। अब जाति धर्म पर बट जाते हैं इसलिए विकास भी नहीं होता। बहुत निर्वाचन आयोग ने मुझे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया है, ऐसे नहीं इलेक्शन कमिश्नर ने, इलेक्शन भी कराना है मुझे, लेकिन हम लोग यही देखेंगे कि लोग किस तरीके से वोट मारते हैं, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पर भी हम लोग। ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या नजर आ रहा है? देखिए अगर मैं बता दीजिए, अगर नहीं कान बताने वाली बात नहीं है, हम भी लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम परसेंट आप जो जनता है खुश नहीं है सरकार से। ठीक, और अब रिजल्ट क्या होगा वो तो देखना होगा। ठीक, क्योंकि अक्सर करके चाहे गरीब हो चाहे अमीर वर्ग हो, चीज़ें देख रहा है कि ये है वो है, इस तरीके से कोई महंगाई और बेरोजगारी से तो बहुत लोग परेशान हैं। यहाँ लोग यहाँ खेती करते हैं आपके गांव में, किसानी करते होंगे? हाँ बिल्कुल करते हैं, जानते हैं मेन चीज़ क्या है, प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है वो लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया। ठीक ना, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, हाँ ये चीज़ है। तो अगर आप कह रहे हैं लोग नाराज हैं तो ब्रेन वॉश से तो इसका मतलब निकले हैं? नहीं निकले, अभी बहुत लोगों को नहीं पता है कि क्या चीज़ें हैं, बस उनको लग रहा है 5 किलो राशन मिल रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, बाकी इंटरनल देश कितना कमजोर हो चुका है किसी को कुछ नहीं पता है। तो यहाँ आपके यहाँ आवारा पशु कितना परेशान कर रहे हैं गांव में? परेशान तो करते ही हैं, आवारा पशु तो बहुत परेशान करते हैं, अगर आदमी रात में ना सोए तो फसल ही नहीं बचेगी, गेहूं गेहूँ में तो बहुत दिक्कत होती है। चलो वोट आपसे नहीं पूछूंगा, आप सरकारी नौकरी, हाँ नहीं आप इसलिए मैं बताऊंगा आपको क्या है। हाँ बिल्कुल, वो तो आपका जी। नमस्कार भाऊ जी, बात हो सकती है? क्या नाम हुआ जी आपका? राजेंद्र चौहान। राजेंद्र जी क्या करते हैं? मैं तो कर ही रहता हूँ, किसानी करता हूँ। किसानी करते हैं, अब किसानों के लिए कैसे रहे हैं 10 साल? ठीक ही रहा, ठीक ही रहे हैं। कितनी जमीन है? जमीन तो 2.5 बीघा है। 2.5 बीघा है, तो इधर मतलब क्या आपको भी आवारा पशु वगैरह की दिक्कत इधर नहीं है? नहीं अभी नहीं है। अच्छा, फैले हुए हैं ऐसी बात नहीं, जिधर देखो उधर चल रहे हैं, लोग दौड़ते हैं मारने के लिए, भगाते हैं, रात रात जगते हैं, रात रात अपने हैं, तो खेतों के लिए तो ज़्यादा परेशान कर रखे हैं। बाबूजी तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं इनको, इनको अगर ये चल भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे किसानों के लिए फर्क है ना। अब पशुएं छोड़े हुए हैं पूरे, अभी थोड़ी देर के बाद सारे फैल जाएंगे, तो लोगों के जगह जगह सोते हैं अपने, जो भी हरे सब्जियां या कुछ भी बोए हुए हैं वहाँ सोएंगे तब जाके बचेंगे।
आपका नाम क्या हुआ? राम अशोक चौहान। राम अशोक चौहान जी, आप भी किसान हैं क्या? हाँ जी सर, किसान हैं। तो ये बताइए, ये जो आवारा पशुओं से आपको जो फसल बर्बाद हो रही है, ये जो किसान सम्मान निधि मिलती है 500 रुपए महीने का, उससे भरपाई हो पाती है? कुछ नहीं होती है, उससे क्या भरपाई होगी? नुकसान काफ़ी ज़्यादा है उससे। काफ़ी ज़्यादा है। कहाँ वोट कीजिएगा इस बार? अरे वोट तो अपनी मर्जी का डलेगा, देखे जाएगा, जिधर जनता पलटेगी उधर हो जाएगा। पिछली बार कहाँ किए थे? बीजेपी थी। इस बार? इस पास कोई अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है, लेकिन बदलाव चाहते हैं? नहीं, बदलेगा, बदलेगा, बदलना चाहिए। सरकार को हर 5 साल के बाद बदल देनी चाहिए, तब जाके सरकार सही चलेगी। आपका क्या नाम हुआ सर? रामानंद यादव। हाँ जी, रामानंद यादव। यादव जी, क्या करते हैं आप? हम तो ड्राइवरी करते हैं सर। ड्राइवरी किसके लिए, मतलब ट्रक है या क्या है? नहीं नहीं, फोर व्हीलर है वो। फोर व्हीलर है, दूसरे की गाड़ी चलाते? हाँ, दूसरे की। बताइए, आप मेहनत मजदूरी करते हैं, कैसे रहे हैं आपके लिए 10 साल इस सरकार? बहुत बुरा हाल है। महंगाई से परेशान है? किस महंगाई से और क्या, महंगाई से और गाड़ी ओड़ी के तेरे को नियम निकल रहे हैं 10 लाख 7 साल जेल, बहुत तमाम समस्या है। अभी क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में, क्या सोच रहे हैं? चेंज होगा और क्या। चेंज होगा, ये तो कह रहे हैं हम 5 किलो गल्ला दे रहे हैं सब। ये क्या होने वाला है, 5 किलो गल्ला में सब्जी लेगा, हमारे भी बच्चे चल जाएंगे। जमीन भी अपनी, खेती भी है? हाँ खेती है। आपको भी वही आवारा पशु की दिक्कत? बहुत ज़्यादा है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत है। बहुत है नुकसान तो, जो नहीं चाहिए वो है नुकसान। मैं चेंज चाहिए, चेंजिंग होगा। अपनी समझ से क्या नाम है भाई? आशुतोष चौहान। आशुतोष, क्या करते हो अभी? तो फिलहाल 4-4 लोग एक मोटरसाइकिल पर भाई, एक तो कम कर दो, हल्की सी इधर उधर स्किड करेगी तो हो गया। 50 रुपये का तेल डला के 4 लोग चलते हैं ना इसी पर। क्यों, इतनी महंगाई हो गई? हाँ अच्छा, ये हमको कैमरे पर महंगाई दिखाने के लिए कर रहे हैं। फिर भी यार थोड़ा ध्यान रखो अभी। हाँ ध्यान है, मतलब सलमान खान हर जगह नहीं बनना होता है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो ये बताओ क्या करते हो तुम? जी हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। बताओ 10 साल इस सरकार में कैसे रहे आप किसानों के लिए? देखो सरकार में, किसी सरकार में हमें लाभ नहीं मिला है, इस भी सरकार में नहीं लाभ मिला है, नहीं मिला। तो हम किसी को गलत नहीं बताएंगे। ये बताओ इधर ये जो आवारा पशु की दिक्कत है आपको? नहीं, हमारे और तो आवारा पशु नहीं आते हैं। नहीं आते, नहीं आते हैं। ऐसा कैसे है कि आधे खेतों में आते हैं आधे में नहीं आते? अरे जो जैसा रहता है करीब है उसके पास नहीं जाते हैं। अच्छा, आपका घर के करीब है? उस जिसके घर के दूरी है उसको ज्यादा नुकसान है। सही कह रहे हैं, ठीक है। तो बताइए चुनाव आ रहा है, पिछली क्या नाम बताया आपने? आशुतोष चौहान। आशुतोष, पिछली बार कहाँ वोट किया था? अभी तो हम लोग भाजपा पे मारते हैं। इस बार अभी भाजपा पे मारेंगे हम लोग। किस खुशी में? खुशी कुछ नहीं है बस। अभी कह रहे हो कि इतनी महंगाई है कि 5-4 लोगों को मोटरसाइकिल पर बैठा रहे हो। अपनी मानसिकता है, भाजपा पे हम लोग मारेंगे। क्या पसंद है भाजपा में? भाजपा को कुछ पसंद नहीं, कुछ मिला है नहीं, कुछ मिलेगा कहीं किसी से, किसी सरकार में हमें कुछ नहीं मिला है न कुछ मिला है, हम इसी में मारेंगे, भाजपा भी मारेंगे। अरे तो मैं वही तो समझ रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा तो क्यों जा रहे हो? जब नहीं मिला, किसी सरकार में नहीं मिला हमको, न इसमें नुकसान हुआ है न फायदा हुआ है। अच्छा, आप बात करिएगा। नमस्कार जी, क्या नाम हुआ? मृत्युंजय चौहान। मृत्युंजय क्या करते हैं? डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं, कहाँ पर? यहाँ लखनऊ से कर रहा हूँ, RAC से, राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं? अच्छा, वेरी गुड। तो फिर बताइए कहाँ पर है? यहाँ पर आपका प्राइवेट क्लिनिक है क्या? नहीं कुछ नहीं, अभी तो सेकेंड प्रॉप में हूँ। सेकेंड? अच्छा, तो अभी टाइम है आपके? जी ठीक है। बताइए, तो लखनऊ से अप डाउन करते हैं या वहीं रहते हैं? नहीं वहीं रहते हैं। वहीं रहते हैं। तो चुनाव के लिए आए हैं घर या छुट्टियों के लिए? नहीं, समर वेकेशन हुआ चला आया। वोट तो करेंगे फिर? जी बिल्कुल, समर वेकेशन जी बिल्कुल करेंगे। बताइए जी, पिछली बार कहाँ किए थे? पिछली बार BJP किए थे। और इस बार? इस बार शायद सब BSP को जाएगा, हाथी पे। हाथी पर क्यों? हाथी पे मतलब भाजपा क्या है कि मतलब कभी मतलब विकास बेरोजगारी पर बात ही नहीं कर रही है कहीं भी। तो आप यूथ हैं तो क्या लग रहा है इस बार? यूथ हैं आप तो कहाँ जाने, मतलब क्या आप लोगों को रोजगार के प्रोस्पेक्ट्स कुछ बेटर लग रहे हैं अभी, क्योंकि आप स्टूडेंट? बीजेपी नहीं, बीजेपी की वजह नहीं किया, नहीं कर रही है। तो फिर ये समझाओ मुझे, बसपा क्या, क्योंकि चौहान साहब मतलब एक नौनिया समाज के ही उम्मीदवार हैं। BSP भी जीतेगी तो BJP को ही सपोर्ट करेगी, ये मतलब न कांग्रेस के साथ आएगी न सपा के साथ आएगी, ये अंदर अंदर मायावती जी जाएंगी भाजपा के साथ। लेकिन यहाँ पे हमारा अपना क्षेत्र देखना है, क्षेत्र में हमारा नेता कौन अच्छा है। तो वो क्योंकि बालकृष्ण चौहान साहब उधर बसपा में हैं जी, इसकी वजह से। तो ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि BJP को नहीं देना लेकिन साथ में मतलब अपना नेता भी देखना है। हाँ, अपना नेता देखना है क्षेत्र का। ठीक है जी।
आप चेंजिंग चाह रहे हैं लेकिन कह रहे हैं मैं उसी पर ही जाऊंगा जो भाजपा के साथ गठबंधन कर देगा। नहीं मतलब मैं अपना यहाँ अपने यहाँ का क्षेत्र का नेता क्षेत्र देख कर बता रहा हूँ, अपने नेता देख रहा हूँ। ठीक है जी। आप यूथ हैं, लखनऊ में पढ़ते हैं, वहाँ पर तो कई सारे रीजन से कई सारे वहाँ ज़िलों से लोग आते होंगे आपके यूनिवर्सिटी में, बाकी लोग क्या आपको बाकी यूपी की क्या हवा आती है वहाँ से? हवा तो यही है कि बीजेपी को हटाना इस बार। यूथ में है जी। अच्छा, और अक्रॉस कास्ट जी? कहाँ कहाँ से स्टूडेंट हैं आपके वहाँ पर? वहाँ के अलग 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 तरह के अलग अलग ज़िलों से जी, हर जगह बदलाव की बात करें। चलिए ये जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं कि मतलब जैसे अग्निवीर की बात कर लेते हैं, अग्निवीर 4 साल में 17 साल में दे रहे हैं और 21 साल में रिटायर कर देंगे। 4 साल में मोदी जी 75 साल के हो गए हैं, ठीक है, वो 74 साल की उम्र में एक मौका मांग रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अग्निवीर जो 4 साल में रिटायर कर रहे हैं तो वो 21 साल में रिटायर कर रहे हैं और वहाँ 75 साल में 75 साल में दूसरा मौका मांग रहे हैं, तीसरी मौका मांग रहे हैं। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि इन बच्चों को भी तो देखें कि इनका भी तो मौका दें। हाँ नहीं, अग्निवीर से तो बहुत नाराजगी है, हर जगह नाराजगी हम लोग घूमें। बहुत सारी चीज़ें देख लिया जाए कि बीजेपी ने बोला कि पापा ने वार रुकवा दिया, एक चीज़ मतलब सोशल मीडिया फैल रहा है। ठीक है, मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ मोदी जी से कि ये मणिपुर चले गए होते हैं, लद्दाख चले गए होते हैं, वहाँ पर चाइना वाले घुस गए हैं कि नहीं गए हैं, आधे आ गए हैं, तो ये सब पे बात ही नहीं कर रहे हैं। वो भी जवान साहब ही अंदर साइकिल पर, हाँ साहब बात करिएगा, आइए साहब। नमस्कार, क्या नाम हुआ? दिनेश। दिनेश जी चौहान समाज से हैं? नहीं, राजभर। राजभर समाज से हैं, तो बताइए जी अपने ही कैंडिडेट पर जाइएगा या किधर जाइएगा? अरे भाई आप बीजेपी सब जोर दे रहा है तो हम भी दे रहे हैं। आप राजभर जी के साथ हैं? हाँ भाई, सब लोग है, जनता यहाँ चौहान बस्ती भी है। चौहान बस्ती तो नहीं है, हम बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, टूटे हैं लोग तो बहुत टूट रहे हैं। राजभर समाज है लेकिन अरविंद राजभर जी के साथ, वो तो हम देखें। चलिए धन्यवाद, कोई नहीं। क्या नाम हुआ भाई साहब? अभिषेक चौहान। अभिषेक क्या करते हो? अभी तो फिलहाल खेतीबाड़ी काम करता हूँ। खेतीबाड़ी का काम करते हो, तो बताओ आपका खेत में आवारा पशु का कोई दिक्कत रहा है इस बार? दिक्कत बहुत है साहब, बहुत रहा, बहुत दिक्कत है, परेशानी बहुत है, घूमते फिरते रहते हैं, कौन देखेगा दिन रात, दिन देख लग रात में कौन देखेगा उसको। क्या उम्र होगी? उम्र है 27। क्या करते हो मतलब खेती के अलावा, कितने पढ़ाई करी है? पढ़ाई तो ग्रेजुएशन लेवल तक है, तो फॉर्म भरते भी करते हैं। तो इधर कोई सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया है? किए हैं, अप्लाई किए हैं, फॉर्म भी रिजेक्ट हैं, फॉर्म होंगे तो देखते हैं कब तक सरकार पेपर करती है लेने के लिए। वैकेंसी नहीं निकल, वैकेंसी नहीं निकल, परेशानी उसके लिए ज़्यादा है। पुलिस वाले के लिए किए थे अभी? पुलिस पेपर जो वो भी रिजेक्ट हो गया फॉर्म, वही पेपर लीक हो गया, लीक हो गया, रिजेक्ट हो गया अभी। अब देखते हैं कब तक सरकार क्या करती है। अभी तो चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में जानते हैं उसको डेट पर डेट टाल देगी। हाँ तो उम्मीद है चाहे चुनाव के ही माहौल में निकल आए। चुनाव के माहौल में अभी उम्मीद कुछ भी नहीं बता सकते हैं, करेगी ना सरकार करेगी, अभी तो दूसरा सरकार चाहिए, सोच रहे हैं कि कांग्रेस आए सब केंद्र में तो सही है। आप सरकार बदलने की? मैं अब सरकार बदलने की सोच रहा हूँ। तो इस बार ये बताइए बालकृष्ण जी वहाँ बसपा से खड़े हैं, उधर नहीं सोच रहे हैं? अपनी सोच है कांग्रेस को, कांग्रेस को, सपा को, सपा इधर तो सपा चलेगी, अपने को कांग्रेस के चाहिए, कांग्रेस को भी इसके साथ में उसके सोच रहे हैं। सरकार बदलना चाहिए, सरकार बदलेगा तो स्कीम बदलेगी, हर चीज़ बदलेगा, तौर तरीके बदलेंगे, नई नई स्कीम आएगी, अभी क्या है उसमें। आपका नाम क्या हुआ साहब? भागवत। कौन? भागवत चौहान समाज से ही हैं? हाँ, और का। आप ही भगवा गमछा पहने हैं? हाँ, तो ये हमारे जनता हवा मेन भाजपा पार्टी के साथ हैं ये कि का समझा था, वही से हम पौले आए हैं। हैं? वही से पौले आए हैं। वही से मैंने वही पार्टी से पौले आई हूँ। बचपन से ही हैं? मैं हरदम बचपन से रही। गमछा पर खुश हैं? गमछा पर ना। हाँ। वो सरकार पर हम खुश आई। अच्छा, क्यों खुश? अगर ओम प्रकाश पर ना हम खुश आई। बात फरेश अब तो किधर वोट दीजिएगा? मन जहाँ मन करी दे दो जाए, बह जाए जाए अब की। लेकिन ओम प्रकाश पर नहीं, नहीं देंगे। ले आप पार्टी से खुश हैं और आप उम्मीदवार के चक्कर में? उम्मीदवार का होला जीत के चल जाए, यहाँ अपने घरे अमन के घरे आओ, हम काय को दिन लोग। तो आप बालकृष्ण चौहान पर देंगे बस? हाँ, बालकृष्ण चौहान जी जो बस पर। हाँ, वो नहीं के देवल जाए। बिरादर पर जाए? बिरादर हम देवल जाए। अच्छा, आप मुद्दा पर नहीं बिरादर पर वोट करते हैं? मुद्दी मुद्दा का होला, वो लोग आवता मन के कम से कम कुछ बतियावे के चाहिए ना, कुछ करे के चाहिए। यहाँ जीत के भाग जाइए सोनकर रह, जीत के भाग गई ना वहाँ खाना से और आजमगढ़। सही कहा। हाँ, जो जीतता है वो भाग जाता है तो वो कम से कम ये अपने
चौहान साहब, बालकृष्ण चौहान साहब यहीं के भागेंगे? बिल्कुल यही जन का हम। तो राकेश राय जी भी तो इधर के ही हैं? नहीं नहीं, यार का नाम इतना नहीं, राजीव राय, राजू राय बहुत दूरे का होते हम। अच्छा अच्छा, हाँ चौहान साहब इधर के हैं? हाँ यही जन का हम, अहमदाबाद है का अब। हम लोग अभी भातकोल गांव में हैं और हमारे यहाँ मुख्य रूप से चौहान समाज या नौनिया समाज से बात हुई। पिछली बार समाज के काफ़ी वोट, बहुमत, बहुसंख्यक वोट भाजपा पर गए थे, लेकिन जैसे हमने पूरी यूपी में देखा है, कई जगह जो गैर यादव, अन्य पिछड़ा वर्ग भी है, उनके कई जगह इस बार वोट, किस प्रतिशत में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक एक फ्रैक्चर नज़र आ रहा है। इस बार भाजपा से नाराज़गी कई जगह नज़र आ रही है। यहाँ पर भी लोगों ने कहा कि वो भाजपा के इस बार खिलाफ जाने वाले हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा में रुकेंगे, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि या तो वो सभा में जाएंगे या फिर अपने ही समाज के बालकृष्ण चौहान जी के साथ बसपा में जाएंगे। जुड़े रहें सीसीए के साथ। उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण के चुनाव तक हम आ चुके हैं। रिपोर्ट्स आप तक आती रहेगी, रिपोर्ट्स आप तक आती रहेंगी। चौहान चुनाव के बाद भी हम आपके बीच में रहने वाले हैं। धन्यवाद।